हेलो दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां हम बात करते हैं मेकअप, ब्यूटी और ट्रेंडिंग फैशन के बारे में। और आज का वीडियो है मेकअप। जी हाँ, घर पे एक पार्टी वेयर मेकअप जो कि बहुत ही सिंपल स्टेप में है और बहुत सारा प्रोडक्ट भी नहीं यूज़ किया है मैंने, बहुत कम प्रोडक्ट में ये पार्टी मेकअप आप कर सकते हैं। घर में अगर कोई छोटी मोटी पार्टी है या फिर आपको लग रहा है कि पार्लर जाने का टाइम नहीं है, तो आप ये मेकअप लुक जो है इसको आप घर पे ही कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने फेस वॉश अच्छे से कर लिया है। जो भी फेस वॉश आप यूज़ करते हैं, आप उससे अच्छे से फेस वॉश कर लीजिए। और मेकअप की वजह से ना ये पिंपल तो आ ही जाते हैं। मेरा फेस ना बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, मतलब मेरी स्किन में अगर मैं कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ तो पिंपल एक्ने आना तो बहुत ही कॉमन है। तो सबसे पहले मैंने वाइप्स लेके फेस को अच्छे से साफ़ कर दिया है। तो अब मैं शुरू करूँगी ना मेकअप को आँखों से। जी हाँ, किसी भी पार्टी मेकअप के लिए ना आई मेकअप अगर आपका अच्छा हो जाता है ना, तो पूरा मेकअप का जो लुक है ना बहुत अच्छे से खिल के आता है। तो अगर आपके पास आई कंसीलर नहीं है तो आप फाउंडेशन ले सकते हैं, या फिर कंसीलर है तो कोई कंसीलर, क्योंकि आँखों पर अगर आपने कंसीलर या फाउंडेशन से अच्छे से सेट कर दिया ना, तो उस पर जो आपका आई शेडो है उसका कलर बहुत अच्छे से आता है। तो सबसे पहले मैंने फाउंडेशन लगा के उसके ऊपर कॉम्पैक्ट से इसको लॉक कर दिया है। अब इसके ऊपर मैं लगाऊंगी आई शेडो, तो बहुत ही अच्छा सा जो भी पिगमेंटेशन है ना आई शेडो का, वो बहुत अच्छे से खिल के आएगा। तो ये मैंने लिया है एक पैलेट, इसका जो सही बताऊं तो नाम वाम मैं बता नहीं पाऊंगी क्योंकि बहुत पहले लिया था और सब मिट गया है। तो मैंने इसी पैलेट में कॉम्पैक्ट मतलब पाउडर भी है, ब्लश भी है, तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मैंने इसी सेम पैलेट से यूज़ किया है। तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ ये ब्रश जो कि आई शेडो ब्रश है, और इससे मैं लूँगी सबसे पहले तो शुगर पैलेट, मतलब दो पैलेट यूज़ किया है। उसमें क्या है ना, उस वाले पैलेट में सारे जो कलर हैं शिमरी है, मैट फिनिश में कुछ नहीं है, तो इसलिए मैं क्रीज एरिया पे लगाने के लिए इसमें से शुगर वाले पैलेट में से ले रही हूँ ऑरेंजेस कलर, मतलब ऑरेंज कलर में आप कुछ ले सकते हो, ऑरेंज कलर या थोड़ा सा न्यूड शेड में जो आता है, लाइट शेड जो होता है, उसको लेके आप अपने क्रीज एरिया पे ऊपर अच्छे से ही लगाना है प्रोडक्ट को और अच्छे से ब्लेंड करना है। ब्लेंडिंग जितनी अच्छी रहेगी, चाहे वो फाउंडेशन की हो, आई शेडो की हो, किसी भी चीज़ की, जितनी अच्छी ब्लेंडिंग रहेगी ना उतना ही अच्छा मेकअप खिल के आता है, उतना ही अच्छा मेकअप होता है। तो सबसे पहले मैं अच्छे से क्रीज एरिया के आउटर में और क्रीज एरिया पे बहुत ही अच्छे से ये जो कलर है ऑरेंजेस और थोड़ा सा पिंकिश ऑरेंजेस कलर है उसको लेके क्रीज एरिया पे लगा रही हूँ और सिर्फ ब्लेंड 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 कर रही हूँ अच्छे से। आई मेकअप जो करते हैं ना तो थोड़ा सा टाइम तो लगता है देखिए, तो ब्लेंडिंग अगर आपने अच्छा किया है, आई मेकअप में थोड़ा टाइम दे दिया ना, तो फिर आपका आई मेकअप बहुत अच्छे से खिल के आता है। ये देखिए अच्छे से ब्लेंड हो गया है। अब मैं करूँगी एक लूँगी काजल, क्योंकि मैं सोच रही हूँ ना हल्का सा स्मोकी आइज देने के लिए, मतलब प्रॉपर स्मोकी भी नहीं बट हल्का सा स्मोकी आइज होंगे। तो आप ले सकते हो इसके लिए काजल, कोई सा भी काजल, जो काजल आपके पास है, जेल काजल लेना तो वो भी बहुत अच्छा है, वो अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। तो ये देखिए मैं काजल को अप्लाई कर रही हूँ हल्का सा वी शेप में, तो आपने भी ऐसा ही करना है। आपको काजल लेना है, साइड कॉर्नर पर आपको वी शेप में करना है और साथ में ही ब्लेंडिंग भी करते जाना है। तो थोड़ा जो ये वाला काजल है ना, ये थोड़ा सा ब्लेंड होने में टाइम लेगा, तो आई मेकअप में थोड़ा टाइम लगेगा, बाकी मेकअप तो बहुत जल्दी हो जाएगा फटाफट। तो थोड़ा सा टाइम निकालिए, मतलब 5-7 मिनट 10 मिनट का, और अच्छे से आप अपने आई मेकअप पे टाइम दीजिए। तो साइड में आपको वी शेप में बना के, अगर आप फिंगर टिप से करना चाहते हो तो फिंगर से आप इसको ब्लेंड कर सकते हो, अगर आपके पास ब्रश है तो आपको ब्रश से ब्लेंड करना है। काजल से, कोई सा भी काजल हो, लोकल काजल भी ज़रूरी नहीं है पर्टिकुलर किसी ब्रांड का हो, जो काजल आपके पास है आपको ऐसे ही अप्लाई करना है वी शेप में हल्का सा, उसके बाद उसको अंदर की साइड ब्लेंड करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ब्लेंड करना है, देखिए काफ़ी हद तक ब्लेंड हो चुका है। अगर आपको उंगलियों से करना है तो उंगलियों से भी कर सकते हैं। अब इसके ऊपर मैंने सेम पैलेट से लिया ब्लैक आई शेडो और इसी के ऊपर अच्छे से अप्लाई कर दूँगी, ठीक है। अगर आपके पास मैट फिनिश में हैश आई शेडो तो आप मैट फिनिश लगा सकते हैं, अगर आपके पास शिमर है, मतलब आपको कैसा लुक लेना है, किस पार्टी में जाना है, डे नाइट कौन सा फंक्शन है, तो आप उस हिसाब से अपने आई मेकअप में थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हैं। तो मैंने हल्का सा मैट फिनिश में लगाया है, उसके बाद
बाद मुझे थोड़ा सा ना ग्रीन टच में चाहिए, क्योंकि मेरा टॉप जो है वो ग्रीन कलर का है, तो मैंने ग्रीन कलर का आई शेडो सिमर, क्योंकि ये जो पैलेट ना इसमें शिमरी ज़्यादा है, नॉर्मल जो मैट फिनिश वाला बहुत कम आई शेडो है, एक या दो ही है, ब्लैक कलर का था और एक वाइट कलर में है बस, और कुछ नहीं है। तो मैट फिनिश का इसलिए मैं शुगर वाला यूज़ करती हूँ। इसमें से देखिए ग्रीन कलर का आई शेडो लगा के और मैंने दोनों को अच्छे से ब्लेंड कर दिया है, तो आप देखिए प्रॉपर जो है स्मोकी आइज़ भी नहीं है और मतलब दोनों साथ सिमर का टच है, ग्रीन एंड ब्लैक दोनों का टच है। प्लस आईलिड के मिड में मैंने थोड़ा और शिमरी वही ग्रीन कलर वाला ऐड किया है, तो हल्का सा ग्रीन ब्लैक का टच आ रहा है, जो कि मुझे मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये आई मेकअप कैसा लगा। तो ये एक आँख पे हो गया कंप्लीट और ये रहा दोनों आँखों पे कंप्लीट मेकअप। तो कंप्लीट तो नहीं है अभी, तो बाकी बहुत सारी चीज़ें बची हैं, बट आई शेडो कैसे अप्लाई करना है ये मैंने आपको बताया है कैसे, और इस तरीके से ना बहुत कम टाइम में, मतलब फर्स्ट टाइम करेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो जैसे ही आप थोड़ा सा टाइम दोगे, एक दो तीन बार करोगे ना, तो ये ऐसा है आई मेकअप कि बहुत जल्दी हो जाएगा। उसके बाद मैंने नीचे वाइप्स लेके साफ़ कर दिया है, जो कि शिमर हल्का सा नीचे गिर गया था। अब बारी है मॉइस्चराइज़र का, क्योंकि मैंने तब पूरे फेस पे मॉइस्चराइज़ नहीं किया था, तो अब अच्छे से मॉइस्चराइज़र लिया है पॉन्ड्स का और पूरे फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज़ कर लिया है। मॉइस्चराइज़र बहुत ज़रूरी है, स्किन जितनी अच्छी मॉइस्चराइज रहेगी ना, आपका मेकअप उतना ही फ्लॉलेस होगा, बहुत ही अच्छे से खिल के आएगा। तो मैंने मॉइस्चराइज़र लगा लिया है, प्राइमर लगा चुकी हूँ, अब बारी है फाउंडेशन की। तो फाउंडेशन को भी ले लिया है, जितना भी जितनी क्वांटिटी में आपको चाहिए आपने ले लेना है। उसके बाद डॉट डॉट करके आँखों पर नहीं लगाना है, पूरे फेस पे फाउंडेशन लगा के और अच्छे से ब्लेंड करना है। ब्लेंडिंग सबसे मतलब कहते हैं ना की होती है, कि ब्लेंडिंग जितनी अच्छी होती है ना, उतना ही अच्छा उतना ही फ्लॉलेस मेकअप आपका आता है। तो मैं अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर रही हूँ अपने पूरे फाउंडेशन को, अच्छे से आपको ब्लेंड करना है थोड़ा तसल्ली से टाइम दे के। तो ऐसे आँखों के नीचे देखिए, अगर आपने कंसीलर लगाना है, ज़्यादा डार्क सर्कल है तो आप कंसीलर करेक्टर से कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका डार्क सर्कल नहीं है, हल्का सा ही आपको फिनिशिंग चाहिए, तो आप फाउंडेशन लगा लीजिए एक लेयर या मन हो तो डबल लेयर। उसके बाद आपको अच्छे से कॉम्पैक्ट से लॉक कर देना है, ताकि मतलब आँखों के नीचे आपके वो फाइन लाइन ना बने, और जहाँ जहाँ आपको लगता है अच्छे से आप कॉम्पैक्ट से पूरे फाउंडेशन को लॉक कर दीजिए। तो अब मैंने लिया है वापस से शुगर का अपना पैलेट, और आई मेकअप मेरा अभी कंप्लीट तो हुआ नहीं है, तो आईब्रोज़ फिल कर रही हूँ। मैंने कहा ना बहुत सारी चीज़ें नहीं मैं यूज़ करने वाली हूँ, सिर्फ दो आई शेडो के जो पैलेट्स हैं ना, उसी से मैं ऑलमोस्ट सारा मेकअप डन करूँगी, क्योंकि आज मैंने देखा कॉम्पैक्ट भी यूज़ नहीं किया है, उसी में से जो कॉम्पैक्ट वाला शेड था उसको लेके अच्छे से कॉम्पैक्ट पाउडर की तरह यूज़ किया है, और दोनों आईब्रोज़ मैं फिल कर चुकी हूँ। देखिए अच्छे से दिख भी रहा होगा आपको कि आईब्रोज मैंने इसी से ब्राउन कलर लिया है, इसी सेम शेड से, और उसी से आईब्रोज फिल कर लिया, और अब कॉन्टोरिंग भी सेम, मतलब सेम पैलेट के जो ब्राउन शेड को है आप भी कर सकते हैं, अगर आपको अलग से कॉन्टोर नहीं खरीदने की ज़रूरत है ना। हाइलाइटर जो आपका आई शेडो में, जो आई शेडो जो पैलेट आप यूज़ करते हैं, उसमें जो डार्क ब्राउन शेड होता है ना, उससे आप कॉन्टोरिंग कर सकते हैं, और जो थोड़ा सा सिल्वर या गोल्डन कलर का जो आई शेडो होता है ना, उससे आप आसानी से और बहुत ही आराम से हाइलाइटर एज अ हाइलाइटर यूज़ कर सकते हैं। तो आपको अलग अलग प्रोडक्ट लेने की ज़रूरत नहीं है, एक अच्छा सा आई शेडो पैलेट जो है आपका ये तीनों काम कर लेगा। तो मैंने नोज़ कॉन्टोरिंग कर ली है, और फेस कॉन्टोर में भी मतलब उंगलियों से ही मैं उसको सेट कर रही हूँ, अच्छे से मैंने ब्रश से अप्लाई कर दिया है प्रोडक्ट को और उंगलियों से ही कॉन्टोर कर रही हूँ। स्पेशली कॉन्टोरिंग के लिए अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और मैंने शॉर्ट्स वीडियोस बनाई है कॉन्टोरिंग के लिए, लेकिन आपको पर्टिकुलर उसके लिए चाहिए तो आप मुझे कॉमेंट करिए, मैं आपको कॉन्टोरिंग के लिए वीडियो बना दूंगी। और अब मैंने उसी में वाइटिश और मतलब सिल्वर वाइटिश कलर का जो आई शेडो है उसको एज ए हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ। तो अब हाइलाइटर भी हो गया, अब सेम पैलेट से थोड़ा सा ब्राउन कलर और पिंक कलर जो मैंने पहले लिया था आई शेडो की तरह, उसी को लोअर लेस लाइन पे भी लगा लिया है। और अब मैं काजल से ही, मतलब मैंने लाइनर अलग से नहीं यूज़ किया है, काजल से ही देखिए लाइनर लगा लिया है आँखों पर।
तो अच्छे से, मतलब आपको अलग अलग प्रोडक्ट नहीं यूज़ करना है, काजल से आपके दोनों अच्छे से आप आईलाइनर लगा सकते हैं। और अब बारी है मस्कारा की, तो मैंने लिया है मस्कारा माई ग्लैम का, बहुत अच्छा मस्कारा है। तो इसको मैंने अपने दोनों आंखों पे अच्छे से अप्लाई कर लिया। मेरा आई मेकअप अभी रह गया था, बट मुझे पहले फेस मेकअप करना था, मतलब फाउंडेशन अप्लाई करना था, ताकि मैं लोअर लाइन पे भी अच्छे से अपना पूरा मेकअप कंप्लीट कर सकूं। और अब बारी है काजल की, तो मैंने काजल लगा लिया है दोनों आंखों में और ऑलमोस्ट मेरा आई मेकअप डन हो चुका है। जस्ट काजल अप्लाई किया और ये रहा मेरा आई मेकअप कंप्लीट। तो कैसा लग रहा है आई मेकअप, आप लोग प्लीज़ प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और बचा हुआ फेस का जो मेकअप है, लाइक ब्लश लगाना, हाइलाइटर में ऑलमोस्ट ऑन नोज़ कॉन्टोरिंग के बाद नाक पे तो लगा लिया था मैंने, बट अब मैं अपने चिक बोन को थोड़ा सा हाईलाइट कर रही हूँ। तो हाइलाइटर के लिए वही सेम पैलेट से मैंने सिल्वर कलर का और गोल्डन थोड़ा सा मिक्स करके हाईलाइट कर लिया है। तो ये रहा हाइलाइटर इफेक्ट, तो आपको दिख ही रहा होगा थोड़ा सा होठ के ऊपर, क्योंकि इससे ना लिपस्टिक, मतलब आपके होठ ना थोड़े से प्लम्पी दिखते हैं। अब मैंने लिया है आई शेडो एप्लीकेटर, जो कि आई शेडो जो पैलेट होता है उसी के साथ आता है, और उससे आँखों में देखिए कॉर्नर पे थोड़ा सा हाइलाइटर लगा रही हूँ, तो उससे ना आँख थोड़े से पार्टी लुक के लिए ना हल्का सा, नहीं कहते हैं कि ग्लिटरी सा थोड़ा सा शाइन ऐड हो गया है। और अब बारी है लिपस्टिक की, तो पिंक लिप्स कर लेती हूँ अपने होंठों को। मैंने सोचा इस लुक के साथ ना पिंक कलर बहुत अच्छे से जाएगा लिपस्टिक का। और ये लिपस्टिक भी है माई ग्लैम की, बहुत ही अच्छी लिपस्टिक है, थोड़ा सा ड्राई कर देती है बट अच्छी है। तो मैंने पहन लिया ज्वेलरी और ये रहा मेरा कंप्लीट लुक। बताइएगा कैसा लगा, और मुझे मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे आई मेकअप बहुत पसंद आया। तो आप लोग भी बताइएगा कैसा है, और अच्छा लगे तो आप अपने नेक्स्ट पार्टी में ये लुक ले सकते हैं, मुझे तो बहुत पसंद आया। तो ये था आज का वीडियो, आई होप वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से कमेंट करिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।